Hello everyone, welcome to another session of Employability Skills. Today we'll be discussing the last session of Unit 2 Self-Management Skills. तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा आखिरी session इस unit का. तो आज हम discuss करने जा रहे हैं session 5 Self-Regulation Time Management. तो अभी तक हमने अपने इस यूनिट में बात करी है कि हम सेल्फ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचान सकते हैं, हम अपने गोल सेट कर सकते हैं और हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें. तो इन सब चीजों के साथ साथ हमें टाइम मैनेजमेंट भी आनी जरूरी है. और वो क्यों? क्योंकि दिन के 24 घंटे में या तो आप अपने काम को खत्म कर सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं, या आप पूरा 24 घंटे को व्यर्थ कर सकते हैं. तो ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं. टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस. समीर वॉज अ वेरी लेजी बॉय एंड ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन थिंग्स. हिज फादर ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम. समीर प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड नेवर पोस्टपोन हिज टास्क. तो यहाँ पे एक समीर है जो बहुत ही आलसी लड़का है और जब भी उसको कुछ कहा जाए तो काम टालता ही रहता था. उसके पिताजी ने कोशिश करी उसको समझाने की कि टाइम या समय क्यों इतना कीमती है. तो वो प्रॉमिस करता गया अपने पिताजी को कि वो कभी भी काम को टालेगा नहीं. तो एक दिन क्या हुआ, वन डे ही वन द फर्स्ट प्राइज इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो अपने स्कूल में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन वो जीता. He was asked to collect the prize the same day. तो प्राइज जीता वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और उसको कहा गया कि सेम दिन उसी दिन में आके प्राइज कलेक्ट कर लीजिए. He didn't care and went to collect the prize the next day. तो जैसे वो था आलसी, टाइम का पाबंद नहीं था, वो अपनी मर्जी से अगले दिन चला गया टिकट लेकर अपना प्राइज लेने. But the prize was now useless for him as it was a ticket to a circus show for the previous day. तो प्राइस उसका क्या था, एक सर्कस की टिकट थी जो उसी दिन के लिए थी. अब वो तो कल की टिकट हो गई, अब उसके क्या काम थी. तो तब समीर को समझ में आया कि टाइम से चीजें क्यों करनी चाहिए. टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू. एन एग्जांपल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वुड बी when you decide to finish your homework immediately after school so you have time to watch tv later in the evening. to jaise ki abhi tak hum baat kar rahe hain time management 24 ghante aapke din ke aap usko kaise plan karte hain, usko kaise control karte hain aur usko aap acche se kaise apna pura kaam khatam karte hain wo hota hai hamara time management. to aapke paas jaise homework hota hai aapko maloom hai aapko karna hai to aap school se aake fatafat khatam karte hain taki aap tv dekh sake. या तो आपको मालूम है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है तो आप जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं और फिर खेलने जाते हैं, यानी कि खेलने के बाद आके मैं काम करूं. तो ऐसे ही आपके टाइम मैनेजमेंट आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं. तो यहाँ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट. समीरा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल. शी हैज अ रेगुलर शेड्यूल दैट शी फॉलोज एवरी डे. शी प्लान्स फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस. तो समीरा जो है वो हमेशा टाइम की पाबंद है, एक शेड्यूल फॉलो करती है और हमेशा अपनी पढ़ाई, अपना खेल सब कुछ प्लान करके रखती है. और दूसरी तरफ निशा है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करती. निशा यूजुअली अराइव्स लेट टू वर्क. शी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम. शी समटाइम्स गेट्स कैरिड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड फॉरगेट्स द मेन टास्क इन हैंड. तो ये जो निशा है वो टाइम से काम अपने कभी भी नहीं देती है और कुछ अलग मस्ती वाला काम, कुछ भी और काम कर लेती है, जो काम करना है वो भूल जाती है. सो टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, मेक अ डेली टाइम टेबल, मेक अ गुड गेस आउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग, सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे. तो टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आप अपने सारे काम को टाइम से खत्म करें, एक टाइम टेबल बनाए जिसके हिसाब से आप काम करें. आपको थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ेगा कि इस काम के लिए मुझे इतनी देर लगेगी और अपना होमवर्क असाइनमेंट सब टाइम से आपको सबमिट करना है और पूरे दिन में टाइम बर्बाद नहीं करना. तो आइए देखते हैं चार स्टेप क्या है, फोर स्टेप्स
for effective time management. तो स्टेप वन, अपनी एक्टिविटीज को प्लान कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, अपना सराउंडिंग स्टडी टेबल ये सब साफ और वो रखिए, बिल्कुल ही कचरे से मुक्त रखिए। इससे क्या होता है कि आपको जो काम करना है वो आप आराम से कर सकते हैं और जो आपका सामान है उसको सही जगह पे वापस रखिए, इससे आपकी टाइम की बचत भी होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज है कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, उसमें आपको कौन सा काम कब करना है, क्या करना है, उसको पहले आप हिसाब लगा लीजिए। तो आपका होमवर्क हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, उसके बाद आपका खेलना हो सकता है, नहीं तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपका खेलना पहले आ जाएगा और होमवर्क थोड़े बाद में। तो आपको खुद से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन सा काम आप कब करेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की। हमें कंट्रोल होना चाहिए अपने कामों पे, आप क्या काम कर रहे हैं, आपके एक्टिविटीज क्या हैं, उस सबको आप अच्छे से नियंत्रण अगर करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो जैसे आप टाइम कहाँ व्यर्थ करते हैं, आप फालतू की गप्पे लड़ाते हैं फोन पे, आप इंटरनेट साइट्स पे घूम रहे होते हैं और ये सब चीजों पे आप टाइम वेस्ट करते हैं जबकि आपका काम पड़ा ही रह जाता है। फिर हमें ट्रैक करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमने अपना टाइम खर्चा कहाँ, इससे हमें पता चलेगा हमने टाइम अपना सही तरीके से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो हमने कहाँ टाइम अपना बर्बाद किया है। तो ये हो गए हमारे चार स्टेप्स, क्या क्या है, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड ट्रैक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द फोर स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या है, अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। तो अगर आपने टाइम टेबल के हिसाब से कुछ लिखा हुआ है कि ये करेंगे इस टाइम में तो उसको टाइम से ही करें। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, तो जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं काम करते हैं उस डेस्क को उस जगह को साफ रखना है। डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क। तो एक ऐसी जगह अपने लिए ढूंढे जहां पे कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आपको टीवी का, रेडियो का या किसी की बातों का शोर ना आए, ऐसे जगह में बैठ के काम करें जहां आप अपने इंपॉर्टेंट काम कर सके। अपना वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली यूज करें, आपको कहीं पे इंतजार करना पड़ रहा है तो उस टाइम में कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए। प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट, अपनी लिस्ट बना लीजिए आपको क्या क्या काम करना है। प्रायोरिटाइज कीजिए, जैसे अभी हमने बात किया जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले कीजिए और जो भी यूजलेस एक्टिविटीज है उसको छोड़िए और जिससे कुछ फायदा हो वो वाले काम कीजिए। तो ये तो हो गए हमारे टिप्स। इसके साथ ही आपके यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, जैसे हमने देखा हुआ अभी तक एक्टिविटीज हमें स्कूल में ही करनी पड़ेंगी और ये जो हमारा प्रोग्रेस है टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे हेल्प कर सकता है, आप कैसे मैनेज करें इसके बारे में जरूर सोचिएगा। तो आज हमने सीखा टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, स्टेप्स क्या है हमें टाइम मैनेज करने के लिए, हम एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं अपने एक्टिविटीज के लिए और उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। सो आई होप आज का लेसन आपके काम आएगा, आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा तो आप अपने जिंदगी में उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और अपने आप को सेल्फ मैनेज करते रहिए।